नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि कंपटीशन कमेटी की तरफ से 18 सितंबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक फ्री मेंस टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी जो भी सेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेशन का उद्देश्य क्या है, तो इस पर्टिकुलर सेशन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप सभी विद्यार्थी, पहली बात तो ये कि आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप टेस्ट में अपने आंसर को लिखते हैं तो किन किन महत्वपूर्ण बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का पूरा सीरीज वाइज आपको एनालिसिस मिलेगा। इस एनालिसिस में आप जान पाएंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होने वाला है आपके एग्जाम में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है, अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, अगर हम बात करें पैटर्न चेंज होने से पहले क्या ट्रेंड रहा है एग्जाम का, अगर हम बात करें आपके अपकमिंग एग्जाम में तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहां कहां से बन सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो हर एक बात का निर्धारण आप स्वतः ही यहां पर एनालिसिस के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि एक विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं, जो भी फैक्ट्स एक विद्यार्थी को जानना अनिवार्य होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी तथ्य, वो सभी फैक्ट आपको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ यहां पर मिलने वाला है, जिसकी सहायता से आप क्या कर पाएंगे, अपना बेस्ट आंसर लिख पाएंगे। साथ ही साथ अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको भी और बेहतर तरीके से बना पाएंगे, जिससे आपका जो उद्देश्य है, आपका जो एम है, उसकी पूर्ति हो सके। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे भी एस्पायरेंट हमारे साथ जुड़े हुए होंगे जिनका अगर हम बात करें थोड़े थोड़े मार्जिन से क्या हो जा रहा है, सिलेक्शन रुक रहा है। तो सिलेक्शन कहाँ रुकता है, सिलेक्शन क्यों रुकता है, किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें, किसी भी फील्ड में एंटर करने की जो पहली शर्त होती है, आपकी सफलता की सीढ़ी की जो पहली शर्त होती है, वो ये होती है कि हम जिस फील्ड में एंटर कर रहे हैं उस फील्ड का हमें कितना बेहतर तरीके से नॉलेज है। यानी कि पहली शर्त यही हो जाती है कि आपको उस फील्ड के बारे में डिटेल्ड नॉलेज होना अनिवार्य है। इसी डिटेल्ड नॉलेज को पहुंचाने के लिए कंपटीशन कम्युनिटी की टीम आपके सामने यहां पर टेस्ट सीरीज के साथ साथ डिटेल एनालिसिस के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों के साथ में जुड़ चुकी है। और इसी श्रृंखला में अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं रीजनिंग का। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 2012 से लेकर के 2021 तक के प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ट्रेंड चेंज होने से पहले, यानी कि 18 के पहले क्या ट्रेंड था और 18 के बाद किस तरीके से आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 18 के पहले अगर हम बात करें तो ये आपके पेपर 6 का पार्ट हुआ करता था, जहां पर 200 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग आपको देखने को मिलता था, जबकि अभी ये पेपर 4 के भाग 2 का पार्ट आपको देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे सीधे आपका जो सिलेबस है मैथ्स और रीजनिंग का, अगर हम बात करें तो वो आपका कितना हो गया है, जो पहले 200 नंबर का हुआ करता था वो भी 50 नंबर का आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 1/4 रह गया है। और इसी कारण यहाँ पर क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिले हैं, कहाँ पर आपको क्वेश्चंस में कमी देखने को मिली है, कहाँ पर आपको इजाफा देखने को मिला है, हर एक बात को हम लोग समझते चलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के एनालिसिस के माध्यम से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर रीजनिंग की, तो यहाँ पर हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे जो आपको आयोग की तरफ से सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस आपको एक साथ मेंशन किया गया है। यहाँ पर मैंने रीजनिंग के टॉपिक्स को अलग सेपरेट कर लिया है, मैथ्स के टॉपिक आपको मिथुन सर के द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जा चुका है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों में आपके पास सिलेबस क्या है, मौजूद है। ये हो गई बात आपके आयोग के द्वारा उपलब्ध कराए गए सिलेबस की, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ट्रेंड की, ठीक है। अब अगर हम सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस में आपको यहाँ पर कुछ ऐसे भी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जहां से प्रश्न आपके नहीं बनते हैं, यानी कि 12 से लेकर के 21 तक की अगर हम बात करें तो प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम कम्प्लीटली इन टॉपिक्स को इग्नोर करने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें वेटेज की तो हम एक प्लैंड वे में क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स देखने को मिल रहा है एनालॉगी टेस्ट, तो एनालॉगी टेस्ट की अगर हम बात करें तो क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो काफी वास्ट है। यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड अगर हम बात करें नॉलेज की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अलग से मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम बात करें जो भी बातें आप जीएस में पढ़ते हैं, आपके दैनिक जीवन में जो भी जानकारियां उपयोग होती है, उन्हीं जानकारियों पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर ऑड वर्ड की, यानी कि आपको चार विकल्प में से एक अलग को चुनना होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आपको ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी कि पेयरिंग में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
जैसे अगर हम बात करें, आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो गंगा, यमुना, एवरेस्ट, माउंटेन, इस तरीके से आपको पेयर वाले क्वेश्चन भी रीजनिंग के सेक्शन में देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलते ही रहे हैं। अगर हम बात करें रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन पर भी आपको बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला है, इवन पजल के फॉर्म में आपको देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्फाबेट टेस्ट पर भी आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार के प्रश्नों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें लॉजिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड्स, जहां पर हमें सीक्वेंस में क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। अगर हम बात करें इंसर्टिंग मिसिंग नंबर या फिर मिसिंग वर्ड या फिर मिसिंग कैरेक्टर, आप बोल सकते हैं कई बार अल्फाबेट पर भी बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है असर्शन एंड रीजन की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली आपको नीट वगैरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें एसआरटी की सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो एसएसबी में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में है, लेकिन क्वेश्चन की अगर हम बात करें 12 से लेकर के 21 तक में, तो आपको प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं, क्लियर। और अगर हम इसी तरीके से बात करें जनरल मेंटल एबिलिटी में, आपके अन्य रीजनिंग से संबंधित भी क्या आ जाएंगे, टॉपिक इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसलिए सिलेबस को देख करके बहुत ज्यादा हैरान परेशान नहीं होना है। यानी कि अगर हम बात करें, हम लोगों ने प्रीलिम्स, यानी कि अगर हम बात करें आपके सीसेट के बेसिस पर जो भी टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, वहां पर हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग को भी डिटेल में कवर अप किया हुआ है, तो लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित भी प्रश्नों को हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये सभी के सभी टॉपिक आपको हिंदी में भी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये हो गई बात सिलेबस की। अब हम बात करेंगे कि प्रश्न हमें ज्यादातर कहां से देखने को मिले हैं जब हम बात करते हैं मेंस की, और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए प्रश्नों का आंसर करने के लिए। तो सभी विषयों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एनालिसिस की। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीजीपीएससी की अगर हम बात करें, मेंस की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको अल्फाबेट पर 2013 में एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, 2016 में एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 3 प्रश्न देखने को मिले। इसी प्रकार अगर हम एनालॉजी की बात करें, तो एनालॉजी से आपको 2015 में 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की, तो 2013 में आपको 6 क्वेश्चन, 2014 में आपको 5 क्वेश्चन, जबकि इसके बाद आपको प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैलेंडर, तो 2013 में आपको 1 प्रश्न देखने को मिला है। क्लॉक की अगर हम बात करें, तो 2016 में आपको 1 प्रश्न देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो 2012 में आपको 1 प्रश्न देखने को मिला है, 2014 में प्रश्न देखने को मिला है, और 2016 में भी आपको प्रश्न देखने को मिला है। कोडिंग डिकोडिंग अगर हम बात करें, तो ये तो हो गए बात टॉपिक की। अब टॉपिक में भी किस टाइप का क्वेश्चन आया है, उसको भी यहाँ पर हम लोग डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ। आगे की अगर मैं बात करूं, तो काउंटिंग ऑफ फिगर पर बेस्ड आपको 2017 में एक क्वेश्चन देखने को मिला, जहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। 4:4 का आपका क्या था, फिगर था, जहां पर आपको बताना था कि आकृति में कुल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर क्यूब, तो क्यूब पर आधारित आपको 2012 में 5 प्रश्न देखने को मिले। डिसीजन मेकिंग से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिले। डाइस की अगर हम बात करें, तो डाइस से रिलेटेड आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला। डिक्शनरी ऑर्डर से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिला। मेंस में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करें, तो 1 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 2012 में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 2021 यानी कि रिसेंट जो आपका एग्जाम हुआ, यहाँ पर भी आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला, वो भी पूरे 4 नंबर का, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक यहाँ पर हमें इग्नोर नहीं मारना है, हर एक टॉपिक अपने आप में क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके आगे अगर मैं बात करूं, तो लॉजिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड्स, इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते रहे 2012 में, 2013, 2014, 2016 और साथ ही साथ 2019 में भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसिंग टर्म पर बेस्ड आपको 2013 में प्रश्न देखने को मिला, 14 में देखने को मिला, फिर आपको 16 में देखने को मिला, 17 में देखने को मिला, और इसी प्रकार अगर हम बात करें 20 में आपको देख लेते हैं, ये 19 है, 19 का कॉलम है, यानी कि 19 में आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिला, ठीक है। बाकी विषयों का भी यहाँ पर एनालिसिस आपके पास मौजूद है, आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्लियर। ये हो गई बात कि किस टॉपिक से टोटल कितने किस ईयर में प्रश्न आपको देखने को मिले, यहाँ पर हो गया टॉपिक के लिए टोटल, और नीचे में आपको देखने को मिला टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर 2012 में 15 क्वेश्चन, 2013 में 18 क्वेश्चन, 2014 में 10 क्वेश्चन, 2015 में 14 क्वेश्चन, 2016 में 12 क्वेश्चन, 2017 में 13 क्वेश्चन, 18 में मिसिंग है, 19, 20 और 21 में यहाँ पर एक एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं।
अब इनमें ये जो भारी गिरावट है वो किस कारण से है, तो अगर हम कारण की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर पैटर्न में चेंज हुआ है, जिसकी चर्चा मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी विद्यार्थियों के साथ में की। ठीक है, तो ये हो गया एक एनालिसिस। इसी का एनालिसिस हम क्या करेंगे, चार्ट के माध्यम से भी यहाँ पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज चार्ट के माध्यम से अलग अलग कलर से अलग अलग ईयर में पूछे गए डिफरेंट टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एनालिसिस देखने को मिल रहा है चार्ट के माध्यम से। तो इससे भी आप यहाँ पर बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक्स गिवन है, यहाँ पर किस ईयर में पूछे गए प्रश्न को किस कलर से हाईलाइट किया गया, जैसे कि जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012 में क्यूब से आपको 5 प्रश्न देखने को मिले। पिंक कलर की अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं 2014 में, यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है पिंक कलर से कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड, यहाँ पर आपको देखने को मिला ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो किस ईयर में किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने, इसका चार्ट के माध्यम से भी आपके पास एक एनालिसिस यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज आप इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आगे की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का पैटर्न, यानी कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न बने, इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके बन रहे हैं टॉपिक में भी। एक टॉपिक की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्नों के अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अल्फाबेट टेस्ट की बात करें तो बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, यानी कि आपको लेटर्स के अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की तो अल्फाबेटिकल कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग की अगर हम बात करें तो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिले कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड, जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चाइनीज कोडिंग पर भी बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी कि अगर हम बात करें इसके अलावा तो चाइनीज कोडिंग से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिला है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का उठा करके एनालिसिस करेंगे तो। इसके बाद अगर हम बात करें एनालॉगी तो बेस्ड ऑन मीनिंगफुल वर्ड्स एनालॉगी की अगर हम बात करें तो एनालॉगी में जो प्रश्न आपको देखने को मिला है वो आपको मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड देखने को मिला है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन मीनिंगफुल वर्ड अगेन। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द साइन, यानी कि साइन को इंटरचेंज करके, दो अगर हम बात करें चिन्हों को परिवर्तित करके कैसे निकाला जा सकता है। इसके अलावा अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी क्वेश्चन देखने को मिलते रहे। सीरीज की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज और मिसिंग टर्म के रूप में आपको प्रश्न देखने को मिला है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अभी आपने रिसेंट जैसे कि मैंने कहा कि प्रीवियस जो आपका पेपर था 2021 का, वहां पर भी आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला, जो कि एंगल पर बेस्ड था। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर एंड रैंकिंग से यहाँ पर पोजीशन इंटरचेंज और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले, जहां पर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अरेंजमेंट की बात की गई है, उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। रीजनिंग सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो जो आपकी शब्द सीमा होती है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका डायग्राम, कि आप कितना बेहतर तरीके से फिगर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दिए गए डाटा को आप कितना बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं, जिससे एग्जामिनर को सारी बातें जो आप समझाना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं या जो उस प्रश्न की रिक्वायरमेंट है वो समझ में आ जाए। क्लियर। इसी प्रकार से अन्य यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स की तो किन टॉपिक से कहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। लॉजिकल वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी कि अलग अलग आपको ज्यामिति आकृतियों पर आधारित प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल में आपको अलग अलग डेटा दे दिया जाएगा और फिर आपसे इस पर बेस्ड क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा संख्याओं पर आधारित। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम बात करें डाइस, तो डाइस में आपको ओपन डाइस, क्लोज डाइस, मिसिंग टर्म, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि बंद पासे पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिला है। काउंटिंग ऑफ अगर हम बात करें फिगर्स की तो नंबर ऑफ स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था 4:4 का आपका स्क्वायर देखने को मिला था। बात करें अगर हम पजल की तो कंडीशनल पजल, और ब्लड रिलेशन की जब मैंने आपसे चर्चा करी थी तो मैंने आपको बताया कि ब्लड रिलेशन में जो पजल देखने को मिला है वो भी किस पर देखने को मिला, पजल के फॉर्म में देखने को मिला, जहां पर अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं फैमिली के अलग अलग मेंबर्स। क्लियर। तो ये हो गया एक छोटा सा एनालिसिस। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नों की, यहाँ पर कुछ प्रश्नों को भी हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अप्रोच भी देखेंगे कि प्रश्नों को हल करते समय हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। प्रश्न कितने नंबर के हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 18 से लेकर के 21 तक की हम बात करेंगे, यहाँ पर किस ईयर में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2021 में जो प्रश्न आपको देखने को मिला है वो पूरे पूरे आपके 4 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिला। अब 4 नंबर के जब हम प्रश्नों की बात करते हैं तो हमारे पास जो शब्द सीमा होती है वो कितनी होती है, 60। क्लियर। 60 वर्ड हमारे पास क्या होती है, शब्द सीमा होती है।
अब अगर हम बात करें तो शब्दों से ज्यादा मैंने आपको कहा जब हम रीजनिंग की बात करेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, फिगर, क्या फिगर कितना बेहतर तरीके से बना पा रहे हैं। तो फिगर की अगर हम बात करें तो अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप डिटेल्ड कोर्स को यहाँ पर वॉच कर चुके हैं, तो आपको मैंने प्रीलिम्स में जो भी टॉपिक्स बताए हैं, प्रीलिम्स में जो भी प्रश्नों को हल करने के लिए हमारा अप्रोच होता है, तो केवल और केवल मेंस में आपको क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो करना होता है। स्मार्ट तरीके की भी हम चर्चा करते आए हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं, जब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं, जब हमारे पास दिए गए विकल्प होते हैं। लेकिन हमारे पास जब तक विकल्प नहीं होते हैं, जब तक हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, तब तक हम लोग हर एक टॉपिक के हर एक प्रकार के प्रश्न को डिटेल में कवर अप करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं, प्रीलिम्स में हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स को पढ़ा है उनके कॉन्सेप्ट्स पर जिस तरीके से डिटेल में हम लोगों ने चर्चा करी है, जैसा अगर मैं बात करूं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा एवं दूरी पर आधारित सामान्य प्रश्न। तो सामान्य प्रश्नों के लिए जब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर बनाना है, किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों का हमें ध्यान रखना है, इन सभी बातों को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको आंसर लिखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल, यानी कि कोण पर आधारित प्रश्न, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ रोटेशंस, यानी कि मोड़ कितने घुमाव है, इस पर आधारित जब हम प्रश्नों की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन शेडो, यानी कि परछाई या फिर छाया पर आधारित प्रश्नों की हम बात करते हैं, तो जो भी बातें आप सीखते हैं, जो भी बातें आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है जब आप आंसर लिख रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें आपका प्री हो या फिर मेंस हो, जो कॉन्सेप्ट है किसी भी, अगर हम बात करें टॉपिक का या अगर हम बात करें किसी भी प्रकार के प्रश्न का, वो क्या हो जाता है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल यदि मैं दिए गए प्रश्न की बात करूं, यहाँ पर जो आपका अप्रोच होना चाहिए था, तो पूछा आपसे ऋषभ वॉज फेसिंग द जू इनिशियली, और आपको ये स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ दिया गया था प्रश्न के साथ। तो पहले अगर हम बात करें ऋषभ की, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते थे, यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना था, एक मैप ड्रॉ कर लेना था कुछ इस प्रकार से। अब अगर हम जू की बात करें तो जू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि चिड़ियाघर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और ऋषभ की अगर हम बात करें तो ऋषभ का जो फेस है इनिशियली कहाँ है, इनिशियली ऋषभ का फेस है जू की साइड में, ठीक है, यानी कि जू की तरफ। अब आगे की अगर हम बात करें, ही टर्न थ्रू 135 डिग्री क्लॉक वाइज, वेयर इज ही फेसिंग नाउ, पहला प्रश्न है कि उसका मुख किस दिशा में है। अब जब हम बात करेंगे 135 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन की, यानी कि घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में अगर 135 डिग्री कौन घूम रहा है, ऋषभ घूम रहा है, तो यहां से यहां तक आया तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। या इसको और बेहतर तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते थे और डिटेल में आप जाना चाहते हो, हालांकि यहां पर मैंने कहा कि चार नंबर का प्रश्न है, शब्द सीमा आपके पास 60 शब्दों की है, इसी प्रश्न को अगर 8 नंबर का भी पूछ लेगा तो इस प्रश्न को 8 नंबर में कैसे लिखना, ये कला भी आपके पास होनी चाहिए। 8 नंबर में प्रश्न लिखता है तो आप ये कह सकते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर 360 डिग्री, यानी कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से घूम करके उस डायरेक्शन तक आएंगे तो टोटल हम 360 डिग्री का एंगल कवर करेंगे, यानी कि इस पार्ट की अगर हम वैल्यू की बात करें, इस डिविजन की वैल्यू की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको और बेहतर तरीके से क्या कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। तो जो आपको लिखना है उसको मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर पर विशेष आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे कि ईच डिवीजन, यानी कि प्रत्येक भाग की जो वैल्यू है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको 8 बराबर भागों में विभाजित किया, यानी कि प्रत्येक भाग की जो वैल्यू है वो कितनी है, हम मान के चलेंगे यहाँ पर 45 अंश या 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम बात करें 135 डिग्री जब वह क्लॉक वाइज घूमता है, तो यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना हो गया, 90 हो गया, और यहाँ से और जाएंगे कितना, 45, तो हो जाएगा कितना, 135। इट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बस स्टैंड, और आपसे प्रश्न पूछा है वेयर इज ही फेसिंग नाउ, तो हम कह सकते हैं कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त दिशा में घूमने के बाद ऋषभ का मुख कहाँ है, ऋषभ का मुख बस स्टैंड की तरफ है, यानी कि ये हो जाएगा आपका बस स्टैंड, क्लियर, ये हो गया आपका बस स्टैंड। आगे की यदि मैं बात करूं, देन ही टर्न्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फेस द गार्डन, अब वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गार्डन की तरफ मुख करने के लिए घूमता है, किधर घूमता है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, हिंदी की अगर हम बात करें तो वामावर्त दिशा में, या आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जाना कहाँ है उसको, तो जाना है गार्डन, अब गार्डन जाने के लिए वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, गार्डन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि नॉर्थ, अगर इसको हम डायरेक्शन के हिसाब से लिखें
तो ये लिखना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपका गार्डन है वो कहाँ है, वो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। गार्डन कहाँ पर है आपका, तो गार्डन है आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, गार्डन। और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके कहाँ जाना है, उसको डायरेक्शन की तरफ जाना है। तो डायरेक्शन की तरफ अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक आ गए तो कितना आ गए 90, यहां से यहां तक आ गए हम कितना 90 और आ गए, क्लियर। 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। अब यहां से आपको देखेंगे तो 90 डिग्री और क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें गार्डन तक जाना है कहां से, बस स्टैंड से, तो यहां पर 270 डिग्री क्या करना पड़ जाएगा, रोटेट करना पड़ जाएगा। यानी कि 270 डिग्री रोटेट करना पड़ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो आपको मेंशन ही किया गया था कि आपको घूमना किस प्रकार से, तो आपको घूमना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जबकि अगर हम बात करें, अगर आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं किया गया होता तो दोनों तरीके थे यहाँ पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते तो कितना जाना पड़ता, 90 डिग्री। यानी कि अगर हम बात करें यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, यहां से अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ता गार्डन तक, तो केवल और केवल हम बात करें तो 90 डिग्री आपको रोटेट करना पड़ता। जबकि अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, आपको यहाँ पर पूरे पूरे 270 डिग्री क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना करके, बाकी मैंने आपको शब्दों के लिए बताया कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, यहाँ पर इतना स्पेस फिलहाल नहीं है, आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। पहले प्रश्न की यदि मैं आंसर की बात करूं तो ही टर्न थ्रू 135 डिग्री क्लॉकवाइज, वेयर इज ही फेसिंग नाउ, तो हम कह सकते हैं 135 अंश घूमने के बाद अब ऋषभ का मुख बस स्टैंड की तरफ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे पूछे गए प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर पूछा है व्हाट एंगल डिड ही टर्न थ्रू, कितने एंगल यानी कितने डिग्री का कोण उसने कवर किया। तो अगर हम बात करें कितने डिग्री का, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं बस स्टैंड से गार्डन तक पहुंचने के लिए या गार्डन की तरफ फेस करने के लिए ऋषभ को क्या करना पड़ेगा, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बेहतर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। मैंने कहा रीजनिंग की जब हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। फिलहाल बात करेंगे यहाँ पर अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर 2020 मेंस की परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिला, और यहाँ पर आपका ये जो प्रश्न है ये 2 नंबर का है। और अगर हम बात करें प्रश्न में अप्रोच की, तो केवल और केवल हमें यहाँ पर क्या करना था, बोर्ड मास का रूल फॉलो करना था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा करते हुए आए हैं। तो अगर हम बात करें बोर्ड मास की, तो बोर्ड मास में क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट कहीं देखने को मिल नहीं रहा है, ऑफ देखने को मिल नहीं रहा है, डिवीजन का साइन आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो डिवाइड होगा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन होगा, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन होगा। आप में से जितने भी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं, एक मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, 5 सेकंड में आंसर करना है आपको, विद इन 5 सेकंड। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, मैंने आपसे प्रश्न पूछा 2 + 2 / 2 आंसर कितना होगा, आ गया होगा आंसर आपका, कितना आया होगा 2, और मैंने कहा ये गलत है। क्यों गलत है, मैंने कहा 2 + 2 / 2, तो समझिए 2 + 2 / 2, तो पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, 2 को 2 से भाग दोगे तो 1 आएगा, +2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ हम सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं एग्जाम में, जिनको हमें अवॉइड करना है, जिनसे हमें बचना है। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर पूछे गए प्रश्न की। चलिए आते हैं वापस से प्रश्न पर। प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो इस प्रकार से हम बोर्ड मास को भी मेंशन कर सकते थे कि बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हुए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको दिया गया है क्या 14, फिर यहाँ पर आपको दिया गया है n, फिर आपको दिया गया है 10 L 42, फिर आपको दिया गया है p, फिर आपको दिया गया 2 m और 8 = आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें पता है कि n की जगह पर आपको साइन जो देखने को मिल रहा है, पहले देखते हैं n, n स्टैंड फॉर आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10। फिर अगर हम बात करें l की, तो l स्टैंड फॉर प्लस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 42। फिर आपको दिया गया है p, p की अगर हम बात करें तो p स्टैंड फॉर डिवीजन, यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कितना 2। और m की अगर हम बात करें तो m के लिए आपको दिया गया है यहाँ पर m स्टैंड फॉर माइनस, और आपको दिया गया यहाँ पर 8, माइनस का 8, क्लियर। अब हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 × 10 + 21 - 8 = question mark।
ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूं तो अब क्या करना है हमें, डिवाइडेड बाय के बाद हमें करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140 प्लस कर देना है 21, माइनस का कर देना है 8। इसको जब आप हल करते हैं तो 140 में से अगर आप 140 में अगर आप 21 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 161। 161 में से अगर आप क्या करते हैं 8 घटाते हैं तो 161 में से अगर आप 10 घटाते तो बनता कितना 151 प्लस 2 कर दिए कितना जाएगा 153। ठीक है, तो यहां पर आंसर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका आंसर कितना जाएगा 153। तो इस प्रकार से आप स्टेप वाइज क्या कर सकते थे, आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकते थे और पूरे पूरे अंक यहाँ पर आप अर्जित कर सकते थे। जबकि इसी प्रश्न को जब हम क्या करेंगे ऑप्शन के साथ हल करेंगे तो कैसे, ओरली बताते हैं कि कैसे यहाँ पर दिए गए विकल्पों को चुनना है, कैसे बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, यूनिट डिजिट से कैसे आंसर निकालना है, तो हर एक विषय पर डिटेल में चर्चा हम करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ऑप्शन के साथ क्या अप्रोच होना चाहिए, बिना ऑप्शन के क्या अप्रोच होना चाहिए। क्लियर, बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। यहाँ पर आपको सीरीज पर आधारित एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। अंकों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भी आपको दो अंक का प्रश्न ये देखने को मिला। अब दो अंकों में यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दिया गया है 5, ये दिया गया आपको 16, ये दिया गया आपको 51, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 158 और नेक्स्ट टर्म आपसे पूछा गया है। अब देखो टॉपिक जो एनालिसिस आपने देखा ना, टॉपिक को लेकर के भी कई बार आपके मन, जैसे 19 की अगर हम बात करें तो आपको प्रश्न देखने को मिला कि वर्ष 2020 में 53 अगर हम बात करें तो रविवार आने की प्रायिकता। तो कैलेंडर की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में भी हम लोगों ने कैलेंडर के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। साथ ही साथ प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्न जहां पर आपको किसी लीप ईयर में 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता, यानी किसी भी वर्ष की अगर हम बात करें तो यहां पर तीन तरीके से आपके शुक्रवार रह सकते थे। जबकि अगर हम बात करें लीप ईयर वहां पर मेंशन किया गया था तो हमें पता था 2 out of 7 आपके तरीके हैं जिससे क्या हो सकते हैं किसी भी लीप वर्ष में, और 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है। तो एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको यूटिलाइज होती हुई दिखाई देगी। कई बार आप मैथ्स में भी बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं जिन पर आधारित प्रश्न आपको रीजनिंग में देखने को मिलता है। और हमारा ओवरऑल मोटिव क्या है, सिलेक्शन लेना। तो किस सब्जेक्ट से क्या हमें ज्ञान मिल रहा है, कहाँ वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर आपको बहुत सारे साइंस के टर्मिनोलॉजीज देखने को मिल जाएंगे जब हम बात करते हैं किसकी, एनालॉजी की और वन आउट की, जनरल नॉलेज की आपको मिल जाएंगे। तो हमें ओवरऑल क्या करना है, हमारा जो मेन मोटिव है वो है सिलेक्शन लेना। तो इसीलिए आपका हर एक विषय क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। हर एक टॉपिक अपने आप में अपनी अहमियत अपनी वैल्यू रखता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपको संख्याएं दी गई है। अब अगर हम लॉजिक की बात करें तो 5 से 16 हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका तो अगर हम बात करें डिफरेंस से भी हो सकता है। अगर हम बात करें डिफरेंस से नहीं बन रहा है तो मल्टीप्लीकेशन लग सकता है, डिविजन लग सकता है, स्क्वायर समथिंग प्लस हो सकता है, स्क्वायर समथिंग माइनस हो सकता है, क्यूब हो सकता है। ठीक है, वेरियस तरीके हैं सीरीज में। हमें क्या करना है, हमें वो तरीका यहाँ पर ढूंढना है जिससे ये पर्टिकुलर सीरीज आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। और क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये आपका मल्टीपल के पास में है, यानी कि अगर हम बात करें मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 + 3, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाइड बाय 3 + 5, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 7। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन के साथ बना रहे होते तो 8 + 3 = 24 और 7 में 4 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट बनेगा। एक यूनिट डिजिट से हम इसको उड़ा के आगे बढ़ चुके होते। ठीक है, ऑप्शन के साथ अगर होता, बाकी विकल्पों में यूनिट डिजिट अगर आपका अलग देखने को मिला तो हमें पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो प्लस क्या हो जाएगा 7। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो संख्याएं जो जुड़ रही है, ये जो जुड़ रही है आप कह सकते हैं कि ये संख्याएं क्या है, ऑड नंबर है कि प्राइम नंबर है। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये करके कमेंट करके बताइए कि ऑड नंबर की सीरीज चल रही है जो ऐड हो रहा है या फिर प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। अगर आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर प्राइम नंबर तो समझिए बात को कि एक कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1, एक होता है नंबर इटसेल्फ। तो सबसे छोटे अगर हम प्राइम नंबर की बात करेंगे तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है, 2 होता है। ये बात आपको बिल्कुल गार्ड बांध के ध्यान से समझ लेनी, क्योंकि सीरीज में कई बार आप फंसते हो। अगर 2 से चल रहा होता, 2 के बाद 3 का डिफरेंस, 3 के बाद 5 का डिफरेंस, 5 के बाद 7 का डिफरेंस, तो अगला डिफरेंस हम जो लेते हैं वो सीधे लेते किसका, 11 का। लेकिन यहाँ पर अगला जो हम डिफरेंस लेंगे यानी कि मल्टीप्लाइड बाई तो क्या होगा 3 होगा, लेकिन एड हम करेंगे कितना 7। क्लियर, तो अगर 7 के बाद इस टर्म के बाद अगला टर्म आता तो हम 9 नहीं लेते। फिलहाल हमें इसी पर्टिकुलर टर्म की बात करनी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 15 3 45 यानी कि 450,
आठ तिरिक 24 यानी कि 450 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 474 और प्लस क्या कर दोगे 7 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 481। कैसे किए कैलकुलेट, तो आप कैलकुलेशन भी यहाँ पर दिखा सकते थे, हालांकि दो नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर कर सकते थे इंटू 3, उसके बाद आपको जो वैल्यू मिलती उसमें आप कर सकते थे प्लस 7। स्मार्ट तरीके की अगर हम बात करें तो 15 * 3 = 45 यानी कि 450 और 8 * 3 = 24 यानी कि 24 जोड़ दोगे 450 में तो बन जाएगा कितना 474 प्लस 7 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 481। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बना कितना आपका 474, 8 * 3 = 24 करोगे तो लिखोगे 4 कैरी जाएगा 2, 5 * 3 = 15 करोगे तो बचेगा 5 और 2 = 7। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 * 1 = 3 और 1 आपका कैरी वाला, ठीक है 15 और 2 की अगर हम बात करें तो 17 यहाँ पर हुआ था, 1 कैरी वाला हो गया 4, ठीक है। प्लस क्या कर देना था इस वैल्यू में आपको 7 कर देना था, तो आंसर जो बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा 481 पूरा। आपको इस तरीके से भी आप कर सकते थे और यहाँ पर डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते थे। तो जितना बेहतरीन तरीके से आप आंसर को एक्सप्लेन करेंगे आपको नंबर भी उतने ही बेहतरीन मिलने वाले हैं, क्लियर। बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले यदि हम प्रश्न की बात करें तो बोला है ना क्लास अरुण इज 8th फ्रॉम द टॉप एंड सुधा इज 15th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि अगर हम हिंदी की बात करें तो एक कक्षा में अरुण ऊपर से 8वां और सुधा नीचे से 15वीं है, यदि कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं तो प्रश्न आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड है। ऑर्डर एंड रैंकिंग के अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा तो मैंने कहा चाहे टॉप टू बॉटम आपसे प्रश्न पूछे या फिर आपसे लेफ्ट टू राइट प्रश्न पूछे आप एक ही तरीके से आंसर निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर विषय है आपका मेंस में आंसर राइटिंग का इसलिए टॉप टू बॉटम दिया गया, तो हम स्ट्रक्चर भी क्या करेंगे टॉप टू बॉटम ही बनाएंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या आपको यहाँ पर दी गई कितने 40, टोटल व्यक्ति दिए गए हैं 40। जब हम बात करते हैं टॉप से, तो टॉप से यहाँ पर अगर हम बात करें अरुण की पोजीशन, टॉप से अरुण की पोजीशन दी गई है, यानी कि अगर इसको हम अरुण मान लें तो अरुण की पोजीशन आपको दे दी गई है कितनी 8, समझिएगा बात को। अब कुल व्यक्ति अगर 40 है और अरुण की पोजीशन 8 है, तो अरुण के बाद यानी कि अरुण के नीचे अगर हम बात करें तो कितने विद्यार्थी बैठे होंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी आपकी कितनी 32, क्लियर। आगे की अगर हम बात करें तो बोला सुधा इज 15th फ्रॉम द बॉटम, और सुधा की अगर हम बात करें तो सुधा बॉटम से कितने पोजीशन पर है, 15th पोजीशन पर है, ये आपके टॉप से थे 8th पोजीशन पे। सुधा की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे कौन, सुधा जिनकी अगर हम बात करें रैंक की, तो रैंक कितनी इनकी 15th है। अब आपने देखा कि यहां से यहां तक विद्यार्थी कितने थे 32, 32 की अगर हम बात करें तो 15 हमने निकाल दिए, 15 हमने निकाल दिए तो बचेंगे कितने, तो आप कहेंगे यहां पर विद्यार्थियों की जो संख्या 15 और 7 हो जाएगी 22 प्लस 10 32, यानी कि बीच में विद्यार्थियों की संख्या बचेगी 17, बीच में विद्यार्थियों की जो संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी यहाँ पर 17 बचेगी, यानी कि यहां से यहां तक जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है 17, ठीक है। आगे की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर वो इन सभी बातों को आप लिख भी सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैं बताते चल रहा हूँ कि अरुण के बाद बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 32 हो गई, उसके बाद उन 32 में से हमने 15वीं पोजीशन सुधा की निकाल ली, तो अरुण और सुधा के बीच बचे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 17 हो गई। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है देन फाइंड एट विच इज मीरा फ्रॉम टॉप हु इज जस्ट एट मिडिल ऑफ अरुण एंड सुधा, इन 17 विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो 17 विद्यार्थियों के एकदम मध्य में, या आप कह सकते हैं अरुण और सुधा के मध्य में कौन बैठी हुई है, मीरा, ठीक है। तो जब 17 को अगर हम क्या करेंगे दो इक्वल पार्ट से बांटेंगे और एक उसमें क्या है मिड में है, इट मींस आप देख पाएंगे यहाँ पर 8 व्यक्ति ऊपर हो जाएंगे 8 व्यक्ति नीचे हो जाएंगे और एग्जैक्टली मिड में कौन आ जाएगी, मीरा, क्लियर। एग्जैक्टली मिड में कौन आ जाएगी, मीरा। अब अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में पूछा है देन फाइंड एट विच इज मीरा फ्रॉम, ठीक है, मीरा की आपको यहाँ पर क्या है, एट विच इज मीरा फ्रॉम टॉप, टॉप से आपको मीरा की क्या बतानी, पोजीशन बतानी है। तो मैंने कहा टॉप से आओगे तो अरुण के बाद भी 9वें स्थान पर, और बॉटम से आओगे तो सुधा के बाद भी 9वें स्थान पर। तो अगर हम बात करते हैं टॉप से सुधा की पोजिशन 9वें स्थान पर है, तो यहाँ पर केवल और केवल आपको क्या कर देना था, 8वीं पोजिशन थी अरुण की, उसके बाद बैठे हैं 8 लोग यानी कि 16, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें मीरा की तो मीरा की पोजिशन कितनी हो जाएगी 17वीं हो जाएगी, कहाँ से, टॉप से। बॉटम से अगर पूछा होता तो 15 के बाद 8 लोग, 15 8 कितने हो गए
23 के बाद अगर हम बात करें तो 24वीं पोजीशन हो जाती किसकी, सुधा की, कहां से, बॉटम से। वेरीफाई कैसे कर सकते थे, जब हमने कहा एक ही व्यक्ति की पोजीशन दो अलग अलग छोर से, आपको पता होगी तो कुल व्यक्तियों की दी गई संख्या से हमेशा एक ज्यादा आएगा दोनों पोजीशन से, उस व्यक्ति की अगर दी गई पोजीशन का योग की हम बात करेंगे। तो टॉप से हमें कितनी मिल गई, यहाँ पर मिल गई 17, और बॉटम से अगर हम बात करें तो कितनी मिल गई 24, दोनों का अगर हम सम करते तो मिलता हमें 41, और इसी में हम माइनस 1 कर देते तो हमें क्या मिल जाता, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। तो आप सभी विद्यार्थियों से यह भी अनुरोध है कि अगर आपको किसी प्रकार से कोई कॉन्सेप्ट समझने में कठिनाई आ रही तो आप जो भी इन विषयों पर आधारित सेशन है उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं, आप कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपनी जो नॉलेज है उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पर हम केवल चर्चा कर रहे हैं आपके एनालिसिस की और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है, किस स्टेटमेंट को किस प्रकार से आपको लिखना है वो भी आप यहाँ पर समझते हुए चल लेंगे। ठीक है, बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज इज रिवर्स्ड, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर भी देखो आप पूरा चाहो तो पूरा लिख सकते हो, यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ में तो ए से लेकर के एम तक के आपके लेटर्स देखने को मिलेंगे। ये भी आपका अगर देखें ऑर्डर एंड रैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप विद इन सेकंड चुटकियों में आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना भी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो बोला एंड द सेकंड हाफ इज केप्ट अनटच्ड, यानी कि एन से लेकर के जो जेड तक की सीरीज है उसको एज इट इज यहाँ पर रहने दिया गया है। Which is the third letter to the right of seventh letter from the left end? यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें left plus left की तो ध्यान दीजिए जब हम बाएं sorry left plus right की, यहाँ पर आपको right दिया गया, जब हम बात करते हैं बाएं से दाएं की तो हम क्या करते हैं addition करते हैं, position में add होता है, तो left plus right की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा प्लस करना होगा, और आंसर जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा लेफ्ट से मिलेगा। और बार बार ये बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के कॉन्सेप्ट में। तो लेफ्ट से जो सातवां है इसको हमने पहले तो क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या एम से लेकर के ए तक, और ये वाला आपका हो जाएगा एन से लेकर के जेड तक। ठीक है, दो इक्वल पार्ट से बांटा, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया, सेकेंड हाफ आपका क्या रह गया अनटच्ड रह गया। अब बोला है जो एलिमेंट आपका बाईं ओर से सातवां है उसके दाईं ओर हमें जाना है कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो मैंने कहा 7+3 हमें क्या करना होगा यहाँ पर 7+3 यानी कि 10वां पोजीशन में देखना है हमें कहाँ से लेफ्ट से, और यहाँ पर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इन्हीं 13 एलिमेंट के अंतर्गत ये 10वीं पोजीशन हमें देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें 13 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जो व्यक्ति क्या है बाईं ओर से 10वां है वो दाहिनी ओर से क्या हो जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि एक ही व्यक्ति की पोजीशन जब हम दो बार कंसीडर करेंगे तो यानी कि हमें टोटल में एक ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5 उंगलियां, इस उंगली की पोजीशन अगर मैं कहूँ आपके लेफ्ट से तो आप कहेंगे तीसरा, मैं कहूँ आपके राइट से तो आप कहेंगे तीसरा, लेकिन उंगलियां तो कितनी है 5 ही है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें इधर से अगर हम जा रहे हैं हमें 10वां एलिमेंट चाहिए, कुल है एलिमेंट 13, तो इधर से वो एलिमेंट कौन सा हो जाएगा चौथे नंबर पे हो जाएगा, और इंग्लिश अल्फाबेट में चौथे नंबर का जो अक्षर है वो कौन सा होता है वो होता है डी, यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो वो हमें देखने को मिलेगा डी। इसको आप चाहे तो आंसर के तौर पर इस प्रकार से भी लिख सकते थे, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना होता है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे करते करते आप एम तक आते, और यहाँ से आप क्या कर सकते थे 10वें एलिमेंट को हाईलाइट करके आंसर लिख सकते थे। एफ के बाद अगर हम बात करें तो जी एच आई जे के एल एम आप आगे कंटिन्यू कर सकते थे। ठीक है, ये हो गए बात तरीके की, जहां पर आपने कॉन्सेप्ट भी बताया, इट मीन्स कि आपने यह भी बताया कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानकारी है, साथ ही साथ आपकी जो लेखन कला है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको महारत हासिल है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बॉय इज रिटन एज सीपीजेड, तो मैंने कहा अप्रोच इम्पोर्टेंट हो जाता है, अप्रोच ही अगर आप यहां पर लिख देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज कराने में सक्षम होंगे कि आपने क्या किया है कोडिंग डिकोडिंग पर बेहतर कमांड हासिल की है, आपकी जो लेखन शैली है वो भी बेहतर होनी चाहिए। आप यहाँ पर लॉजिक को लिख सकते हैं, लॉजिक की अगर मैं बात करूं लॉजिक को आप लिख सकते हैं, साथ साथ स्ट्रक्चर आपको बेहतर तरीके से बना लेना है जिसको हम लोग अप्रोच में बार बार मेंशन करते हुए और सीखते हुए आए हैं। तो बॉय की अगर हम बात करें तो बॉय का जो कोड लिखा गया वो लिखा गया सीपीजेड, प्लेस वैल्यू की बात करें तो 2, 15, 25, यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 3, 16, 26, फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 से हो जा रहा है कितना 3 यानी कि +1, यहाँ से हो जा रहा है 15 से कितना 16 यानी कि +1,
और यहाँ पर देखेंगे 25 से कितना हो जा रहा है 26 यानी कि प्लस 1। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लॉजिक के तौर पर मेंशन कर सकते थे कि लॉजिक क्या है, लॉजिक है एडिशन का। लॉजिक किसका है, लॉजिक है एडिशन का। और एडिशन में भी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, एडिशन में हम कर रहे हैं प्लस 1 यानी कि यह हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेटर। ठीक है, तो पूछेगा अगर हम वर्ड की बात करें तो पूछा गया किसके लिए, गर्ल के लिए, GIRL। सामने सामने ही आपको यहाँ पर लेटर्स का कोड देखने को मिल रहा है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। गर्ल के लिए अगर हम बात करते यहाँ पर भी अपने को क्या कर देना था, ये था प्लेस वैल्यू 7, 9, 18 और 12। 7 में प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर बनेगा 8। लॉजिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लस 1 का लॉजिक लगता हुआ दिखाई देगा आपको इस प्रकार से, यहाँ पर आप लिख सकते थे प्लस 1। यहाँ पर अगर हम बात करें आई के बाद मिलेगा जे, प्लेस वैल्यू इसकी होती है 10, यहाँ पर भी आपको प्लस 1 देखने को मिलेगा। फिर आर के बात करें तो 19 यानी कि प्लेस वैल्यू किसकी, एस की, यहाँ पर भी आपको प्लस 1 होता हुआ दिखाई देगा। और 12 के बाद अगर हम बात करें 13, प्लेस वैल्यू किसकी, एम की, यहाँ पर भी आपको प्लस 1 होता हुआ दिखाई देगा। तो लॉजिक में भी आप मेंशन कर सकते हैं क्या लग रहा है, प्लस 1। लॉजिक अगर बेहतरीन लॉजिक पूछा है आपने मेंशन कर दिया तो मान के चलिए कि आपको पूरे अंक मिलना तय है। जैसे अगर हम बात करें सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू हो गया, अपोजिट लेटर के साथ लग जाता है कई बार, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर्स। और अगर कहीं पैटर्न को फॉलो करते हुए लग गया तो फिर क्या बात है, वारे किनारे हो जाएंगे आपके। तो फिर बिल्कुल आपको लिख देना है वहां पर कि क्या हो रहा है, विपरीत अक्षरों के स्थान अंकों, विपरीत अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का योग पैटर्न को फॉलो करते हुए, कौन से पैटर्न, अगर पैटर्न है तो पैटर्न भी ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर, तो ये हो गई एक क्वेश्चन को बनाने की बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कला जो कि आपको आनी चाहिए। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली देन फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स हुज ऑर्डर रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि अगर हम बात करें इस प्रश्न को हम ऑप्शन के साथ बना रहे होते तो कैसे डायरेक्टली हमें बनाना है इसकी हम चर्चा करते, लेकिन फिलहाल हमें आंसर लिखना है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप लिखिए पूरा का पूरा वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, अल्फा इनके लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखेंगे जो कि हो जाएगा 20, 8, 5, 13, 1, 20, 9, 3 और फिर 19। अब अगर हमने इनको संख्याओं के फॉर्म में लिख दिया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। यानी कि 1 कितनी बार आपको देखने को मिल रहा है, 2 बार 1 आपको मिल रहा है 2 बार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए और लिखेंगे हम ए। क्लियर, 1 से बड़ा नंबर आपको देखने को मिल रहा है, 3 कितनी बार मिल रहा है, 1 बार, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी। इसके बाद अगर हम बात करें 3 के बाद आपको नंबर देखने को मिल रहा है 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ई। 5 के बाद अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपको देखने को मिल रहा है 8, तो हमने लिख दिया एच। 8 से बड़ा नंबर आपको देखने को मिल रहा है 9, तो हमने लिख दिया यहाँ पर आई। आई के बाद अगर हम बात करें तो आपको सीधे सीधे नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, 13 मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एम। 13 के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 13 2 बार देखने को मिल रहा है, यानी कि एम 2 बार देखने को मिल रहा है, तो एम आपको यहाँ पर 2 बार आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 19 और 20 आपको 2 बार देखने को मिल रहा है। इस प्रकार आपके सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका एस और 2 बार आपको देखने को मिल जाएगा टी। हमने क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया नंबर के फॉर्म में। आप इसको हाईलाइट भी कर सकते थे, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 13, ये हो गया 13, ये हो गया 19, ये हो गया 20 और ये हो गया 20। क्लियर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो 4, 3, 7, 4, 11 यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 3, 2, 5 और 6, 11। ठीक है, एलिमेंट्स भी आपके क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा है कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी पोजीशन में कोई भी आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो प्रीवियस अगर हम पोजिशन की बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिला था 13, फिर देखने को मिला था 1, तो यहाँ पर आपको 1 एलिमेंट देखने को मिला। फिर आपको देखने को मिला था 20, फिर आपको देखने को मिला था 8, 5, 13, 1, 20, 9, 13 और 9 के बाद 3 और 19। तो आप देख सकते हैं केवल और केवल यहाँ पर एक एलिमेंट यानी कि ए ऐसा लेटर है जो कि उसी स्थान पर आया है जिस स्थान में वो वर्ड मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिला, जब हमने क्या किया, इन अल्फाबेट्स को, इन लेटर्स को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि कह सकते हैं आप असेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू अरेंज किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेहतर अप्रोच रख सकते हैं जब आप आंसर लिख रहे होंगे तब। फिलहाल अगर हम बात करें अगले पूछे गए प्रश्न की, तो यहाँ पर आपको प्रश्न में अगेन देखने को मिल रहा है इन अ कोड एडवेंचर इज रिटन एज EWFOUVSBF देन राइट ग्लैमर इन दैट कोड।
अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अगर आपने बेहतर तरीके से कोडिंग डिकोडिंग नहीं समझ रखी, नहीं पढ़ रखी, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करेंगे। क्लियर। यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रश्न की, तो अप्रोच आपका सेम होना है, यानी कि हमें सेम क्या करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, ADVENTURE। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड एडवेंचर। अब इस बात करेंगे हम इसके कोड की, तो कोड आपको गिवन है EWFOUVSBF। क्लियर, SFB। प्लेस वैल्यू की बात करें तो 1, 4, 22, 5, 14, 20, 21, 18, 5। यहाँ पर देखने को मिलेगा 5, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 23, 6, 15, 21, 22, 19, 6 और 2। क्लियर। अब अगर हम लॉजिक की बात करें तो 1 से 5 यानी कि प्लस का 4, लेकिन 4 से 23 में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको एक वैलिड सीक्वेंस में लॉजिक देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि 4 से 23 19 का फर्क आपको देखने को मिल रहा है, फिर 22 से 6 यानी कि 16 का फर्क, 5 से 15 10 का फर्क, 14 से 21 7 का फर्क, यहाँ पर अगर हम बात करें 20 से 22 2 का फर्क, 21 से 19 2 का फर्क, एक वैलिड सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और जब आपके पास एक वैलिड सीक्वेंस नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, पैटर्न की तलाश करते हैं, आप अन्य लॉजिक्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। अन्य लॉजिक्स की अगर हम बात करें तो डी का अपोजिट लेटर आपको डब्ल्यू के रूप में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अपोजिट लेटर कहीं भी आपको जेड के रूप में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अपोजिट लेटर हो सकता है अपोजिट लेटर प्लस वन हो सकता है, अपोजिट लेटर माइनस वन हो सकता है। तो पहली जो कड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि हम लॉजिक को आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और लॉजिक के साथ साथ किस पैटर्न में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैंने कहा आप लॉजिक नहीं आइडेंटिफाई हो रहा, तो अब आप पैटर्न पर मूव ऑन करते हैं। पैटर्न के लिए भी बेसिकली आप क्या करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा भी आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर अगर मैं पैटर्न की बात करूं, तो सीधे सीधे यहाँ पर अगर आप नंबर्स पर ध्यान देंगे तो 1 से 2। क्लियर, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1 से 2 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर था आपका कोड ग्लैमर के लिए, ठीक है, EWFOUVSFB। ठीक है, 1 से आपको 2 होता हुआ दिखाई दे रहा, 4 से आपको 6 होता हुआ दिखाई दे रहा, 22 से आपको अगर हम बात करें तो, अच्छा ई से अगर हम बात करें तो एडवेंचर, ADVENTURE। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर लॉजिक की बात करें, यानी कि फर्स्ट का इंटरचेंज लास्ट में भी होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक और कड़ी चुनौती, यानी कि आप अगर दो इक्वल भाग में बांटते तो भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो डी से यहाँ पर हो जा रहा है ई, देखिए डी से हो जा रहा है, यानी कि 4 से 5, 22 से 23, 5 से 6, 14 से 15, 20 से 21, 21 से 22, 18 से 19, 5 से 6, एक ही यहाँ पर ए ऐसा है जो कि आपको ए से बी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस पैटर्न को आपको ड्रॉ करना है, इस पैटर्न में यहाँ पर आपको लॉजिक क्या लगता हुआ दिखाई दे रहा, तो लॉजिक की अगर हम बात करें तो +1, +1, +1, +1, +1, +1, +1, +1, +1। यानी कि एक बड़े ही आपको यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजरना होगा अगर आपने लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं किया, आपको पैटर्न्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आप स्ट्रगल करने वाले हैं। तो रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए। आपको कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं जहां पर आपको लगता तो है कि आसानी से बन जाएगा, अपना समय भी व्यर्थ करते हैं और आप क्वेश्चन को बनाने में असफल भी रहते हैं। इसलिए मैंने कहा, और इसका कारण मेंस में असफल विद्यार्थियों की चर्चा मैं नहीं करूंगा, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं केवल और केवल सीसैट के कारण से क्या हो गए हैं, मुख्य परीक्षा को लिखने से वंचित रह गए हैं, मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो वहीं पर अपनी तैयारी में इतना धार लगाइए, इतनी बेहतर तरीके से आप पढ़िए, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि टॉपिक कोई भी हो, प्रकार प्रश्न का कोई भी हो, किसी भी टॉपिक से संबंधित हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और कभी भी अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी सब्जेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्पेशली जब मैं बात करूंगा रीजनिंग की, अगर आप जांचना चाहते हैं खुद को, तो सबसे पहले आप क्या करिए, कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप ना 10 क्वेश्चन उठाइए, और टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक उठाइए डाटा सफिशियंसी के, 10 प्रश्नों को लगाइए, 10 में से अगर 7 भी सही हो रहा है ना, तो ये मान के चलिए कि आपका जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छे से क्लियर है।
अगर डाटा सफिशिएंसी के आप 10 में से 7 प्रश्नों को भी सही सही बना ले जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेहतर है, बेहतर तरीके से आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो अपने आप को एनालिसिस करने का ये एक और बहुत ही अच्छा जरिया है कि आप डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को बनाइए। फिलहाल यहाँ पर हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर अगेन आपको कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल कोडिंग पर आधारित प्रश्न है। अगर यही प्रश्न हमसे ऑप्शन के साथ पूछा होता तो अब तक इसका आंसर मार्क करके हम आगे बढ़ गए होते, क्योंकि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू अपोजिट लेटर सब हम रट के बैठे हुए हैं, एकदम दिमाग में अपने फीड है। कोई भी लेटर देखते मान हम क्या बता सकते हैं, उसका प्लेस वैल्यू बता सकते हैं, उसके अपोजिट लेटर बता सकते हैं। और लॉजिक में यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, सिंपल सा यहाँ पर आपको लॉजिक देखने को मिल रहा है, क्या सम ऑफ प्लेस वैल्यू। यहाँ पर अगर हम बात करें अप्रोच की तो सिंपली आपको क्या करना था, जीओडी लिखे, गॉड लिखे, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर इक्वल्स टू आपको दिया गया 26। लॉजिक की अगर हम बात करें तो लॉजिक यहाँ पर हमें लिख देना था क्या, सम ऑफ प्लेस वैल्यू। हिंदी की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिखते, हिंदी में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अक्षरों के स्थानीय मान का योग, क्या लिखते हैं, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स। ठीक है, अक्षरों के स्थानीय मान का योग। आगे अगर हम बात करें पूछे गए वर्ड की तो यहाँ पर भी हमें क्या कर देना था, सेम अप्रोच को फॉलो करना था, DEVIL डेविल, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7 प्लस 15 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 9 प्लस 12, सबको जोड़ देना है। ठीक है, 12 और 5 4 9 की बात करें तो 22 9 हो जाएगा 31, 31 9 हो जाएगा 40 और 12 की हम बात करें तो कितना हो जाएगा 52, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 52। लॉजिक भी मेंशन करना है, अप्रोच भी आपको मेंशन करना है, और इस तरीके से आपको एक बेहतर आंसर लिखना है, यानी कि 4 5 हो गया 9, 22 9 हो गया कितना 31, 31 9 हो गया 40 और 12 हो गया 52, आंसर यही हो जाएगा आपका 52। बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बोला है मुकेश स्टार्टेड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड टर्न टू हिज लेफ्ट आफ्टर मूविंग 20 मीटर, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, पूर्व दिशा में क्या करता है, मुकेश किसी बिंदु से पूर्व दिशा में चलना आरंभ करता है, 20 मीटर चलने के पश्चात वो अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो पूर्व दिशा में चला कितना 20 मीटर, मुड़ा किधर, बाईं ओर, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और जब तक आपको एंगल ना मेंशन किया गया हो मतलब क्या हो गया 90 डिग्री, बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ गया भाई, बाईं ओर मोड़ दिए 10 मीटर चलने के पश्चात, यानी कि बाईं ओर मुड़ने के बाद कितना चला है, बाईं ओर मुड़ने के बाद चला है 10 मीटर, 10 मीटर चलने के पश्चात पुनः अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 26 मीटर चलता है। तो ध्यान दीजिए ये लाइन है 20, तो इसके पैरेलल जो हम लाइन खींचेंगे यहाँ तक वो भी हो जाएगी कितने की 20 की, प्लस हम 6 मीटर और आगे क्या करेंगे लाइन को बढ़ाएंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 20, इसको हम लिख सकते हैं 6, टोटल हो गया कितना 26। आगे की अगर हम बात करें और 26 मीटर चलता है, उसके पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 18 मीटर चलता है, यानी कि फिर से बाएं मुड़ा, तो इसके पैरेलल जब हम लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इसके आगे हम जाएंगे तो ये लाइन हो जाएगी कितनी 8, यानी कि टोटल हो गया 18। अब ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, ये दूरी भी हो जाएगी आपकी कितनी 6। बात करें यदि हम प्रश्न की तो पूछा आपसे उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि जब हमको ज्ञात करना होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम क्या निकालते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरी का यूज करना होगा। पाइथागोरस थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना है ये वाली दूरी, आपको निकालना है इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी। तो अगर हम बेस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई आपकी, वो दूरी हो गई 6। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट कितना हो गया आपका 8, और हमें पता है 6 और 8 का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। या तो आप यहाँ पर लिख सकते थे क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपके बेस का स्क्वायर बराबर किसके होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये जो दी गई वैल्यू है ये क्या है, ट्रिपलेट वैल्यू है। इसकी ट्रिपलेट वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर के होता है, और इसी के मल्टीपल में आपको गिवन है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो बराबर किसके बार हो जाएगा, 10 के स्क्वायर के। आगे मल्टीपल में जाते जाओगे तो आपको इसका मल्टीपल बनता हुआ दिखाई देगा। ट्रिपलेट वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की आपको क्या निकालना था, दूरी निकालना था। हाइट हो गई 8, बेस हो गया 6। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें हाइपोटेनियस की तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 8 28 64 बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा आपके
अंडर रूट 100 के जो कि किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते थे। इस तरीके से स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से मेंशन कीजिए, कहीं पर कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 6 है तो इसके सामने की दूरी भी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बिंदुओं के नाम से चिन्हित कर सकते हैं। यदि आपका प्रश्न क्या पूछा गया 8 नंबर में पूछ लिया गया है, ठीक है, 10 नंबर में पूछ लिया गया है, तो आप यहाँ पर बिंदुओं के माध्यम से इसको मेंशन कर सकते हैं। यदि यहाँ पर अगर मान लेते हैं ए, यहाँ पर हम मान लेते हैं बी, तो ए और बी की दूरी यदि 6 है तो यहाँ पर भी मान सकते हैं सी और डी की दूरी भी कितनी होगी, 6 होगी। इसके आधार पर यहाँ पर आप और बेहतर तरीके से इसको आगे एलिबरेट कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि जो आपका प्रश्न है वह कितने अंक का पूछा गया। जैसे कि मैंने अभी 21 के प्रश्न की चर्चा करी, 4 नंबर का क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमने बात करी 19 के क्वेश्चन की, तो 19 का क्वेश्चन आपके 2 नंबर का, 20 का क्वेश्चन आपके 2 नंबर का, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या करना है, हर एक बात को मेंशन करना है। हमारे पास शब्द सीमा भी है, साथ ही साथ हमें स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है जब हम बात करेंगे स्पेशली रीजनिंग सेक्शन की। आगे की यदि मैं बात करूं, बोला है इन रो ऑफ गर्ल्स, अगेन आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है किससे, ऑर्डर एंड रैंकिंग से। इस प्रश्न को अगर हमें ऑप्शन के साथ करना होता तो क्या करते हैं, मैंने बताया है कि यहाँ पर 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं जब हम पोजीशन इंटरचेंज की बात करते हैं। एक टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा, दूसरा पूछेगा आपसे दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, और तीसरा आपसे पूछेगा व्यक्ति की पोजीशन चेंज करने के बाद नई स्थिति। ठीक है, और तीनों के आंसर कैसे ओरली निकालते हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है, लेकिन यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो बात करें, बोला इन रो ऑफ गर्ल्स इफ आशा हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि आशा क्या है, बाई ओर से 10वें स्थान पर है। क्लियर, आशा बाई ओर से 10वें स्थान पर है एंड मीना हु इज 9th फ्रॉम राइट चेंज देयर पोजीशन। अब ये दोनों क्या पोजीशन चेंज करती हैं, तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग का केस बन रहा है या ओवरलैपिंग का केस नहीं बन रहा। तो ये बात हमें यहाँ से ज्ञात हो रही है कि आशा की पोजीशन में क्या हो रहा है, इंटरचेंज करने के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है आशा की पोजीशन, क्योंकि आशा यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि आशा की पोजीशन में क्या हो रहा है, आशा की पोजीशन मीना के साथ परिवर्तित करने के बाद आशा की जो पहले दी गई स्थिति थी उसमें आपको वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि मीना जो है वो कहाँ बैठी, आशा की दाहिनी ओर बैठी है। तो अगर हम बात करें मीना की, तो यहाँ पर हो गई मीना, मीना की पोजीशन कितनी थी, 9th थी। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या कर लिया, पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, तो यहाँ पर कौन आ गई, आशा आ गई, और आशा आ गई तो यहाँ पर आशा की पोजीशन कितनी हो गई, 15th हो गई। किधर से हो गई 15th, तो आपकी लेफ्ट से हो गई 15th। तो समझिए बात को, जब एक ही एंड से आपको दो व्यक्तियों की पोजीशन पता हो तो दोनों के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो हमेशा कितनी होती है, दोनों का डिफरेंस -1, यानी कि 15 और 10 के डिफरेंस की हम बात करें तो 5, यानी कि इनके बीच में 4 व्यक्ति रहे होंगे। देखो 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और यहाँ पर मीना की जगह आ गई आशा, यानी कि 15वें नंबर पर हो गई। ठीक है, प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो, टोटल यहाँ पर आपसे पूछा है व्यक्तियों की संख्या। तो टोटल व्यक्तियों की अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि न्यू पोजिशन ऑफ आशा, यानी कि आशा की न्यू पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट, न्यू पोजिशन ऑफ आशा फ्रॉम द लेफ्ट एंड is 15 and this will be equals to the previous position of Meena from right. ठीक है, लेफ्ट से है 15, और अगर हम बात करें जब आशा की पोजीशन की हम बात करें किधर से, राइट एंड से, जब हम बात करेंगे आशा की पोजीशन राइट एंड से, यहां पर हम लिख देंगे पोजीशन ऑफ आशा फ्रॉम राइट एंड, पोजीशन ऑफ आशा, ठीक है, फ्रॉम राइट एंड विल बी, फ्रॉम राइट एंड विल बी इक्वल्स टू द प्रीवियस पोजीशन ऑफ मीना फ्रॉम राइट, यानी कि जब हम बात करेंगे आशा की पोजीशन राइट एंड से तो कितनी हो जाएगी, 9th हो जाएगी। और हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन टी इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एल प्लस आर, एल प्लस आर माइनस वन, टोटल क्या होता है, एल प्लस आर माइनस वन।
तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितनी होगी 15, राइट हैंड से पोजीशन कितनी होगी 9, 15 9 की बात करें तो कितना हो गया 24, और माइनस एक कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो व्यक्तियों की कुल संख्या आ गई 23। तो इस प्रकार से आप बेहतर तरीके से यहाँ पर लिख सकते थे। हिंदी की अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे आशा की नई स्थिति बाएं छोर से कितनी है 15 है। यहाँ पर अगर हम बात करें आशा की पोजीशन दाएं छोर से मीना के पुराने पोजीशन के या मीना के दाएं छोर की स्थिति के बराबर होगी। और जब हम बात करते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्तियों की संख्या होती है जब एक ही पंक्ति की हम बात करें तो किसी व्यक्ति की पोजीशन अगर हमें दाहिने छोर से भी ज्ञात है यानी कि लेफ्ट हैंड से प्लस राइट हैंड से माइनस क्या कर देना होता है 1 कर देना होता है। क्यों करना होता है ये भी मैंने आपको बताया था फिंगर टिप्स पर, ठीक है। बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर लॉजिकल वेन डायग्राम पर बेस देखने को मिल रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने एनालिसिस में चर्चा की थी। अब यहाँ पर चूंकि आपको प्रश्नों की संख्या क्या देखने को मिल रही है 5, तो बहुत ज्यादा हमें एलिबरेट नहीं करना है। अगर दो दो नंबर का क्वेश्चन है, एक एक नंबर का क्वेश्चन, उसी के आधार पर हमें क्या करना है आंसर लिखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूछा है हाउ मेनी ग्रेजुएट वुमेन आर टीचर, तो ग्रेजुएट भी बोल दिया है, वुमेन भी बोल दिया है, टीचर भी बोल दिया। आधे विद्यार्थी यहाँ पर टेंशन में आ चुके हैं, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न आपके पास यहाँ पर हिंदी में भी अवेलेबल है, स्क्रीन शॉट लेने का पूरा मौका मिलेगा आपको, पीडीएफ भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। कंसंट्रेशन के साथ आप सेशन पे बने रहिए। यहाँ पर अप्रोच की हम बात करेंगे, किन किन बारीकियों को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ मैंने कहा यदि आप जांचना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट विकल्प है, आप डाटा सफिशिएंसी के 10 क्वेश्चन लेकर के बैठ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों में आपको कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, तो सिंपली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 आपको यहाँ पर तीनों आकृतियों में कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है। अन्य किसी पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं, अपने आंसर लेखन में यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्योंकि 5 ही एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों दी गई ज्यामिति आकृतियों में क्या है कॉमन है या उभयनिष्ठ है। इस कारण से यहाँ पर अगर हम बात करें 5 ऐसे ग्रेजुएट महिलाएं हैं जो क्या है टीचर या शिक्षक है, 5 ऐसी स्नातक महिलाएं हैं जो क्या है शिक्षक है, ठीक है। बात करें यदि हम अगले प्रश्न की, तो हाउ मेनी टीचर्स आर ग्रेजुएट, तो टीचर और ग्रेजुएट की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, जो लैंग्वेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कितने ऐसे टीचर्स हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि दो की बात करी जा रही है। अब हमने कहा धोनी है विकेट, कितने ऐसे विकेट कीपर हैं जो क्या है फील्डर है। तो धोनी को अगर हम बात करें विकेट कीपर भी है फील्डर भी है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें वो बैट्समैन की श्रेणियों में भी गिना जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें हमें दो से मतलब है, लेकिन कोई अगर तीसरा भी गुण रखता है तो उसको भी हमें नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हमें ओनली वर्ड गिवन नहीं है, हमें केवल नहीं दिया गया, और यहीं पर हम क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं। और इस प्रश्न में भी आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि कितने विद्यार्थियों का कमेंट यहाँ पर आया टीचर और ग्रेजुएट के कॉमन अगर हम एलिमेंट की बात करें, तो वो कॉमन एलिमेंट जो केवल और केवल टीचर और ग्रेजुएट में क्या है कॉमन है। टीचर की अगर हम बात करें तो ये सर्कल वाला पार्ट हो गया, ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो ये रेक्टेंगल वाला पार्ट हो गया। तो कितने विद्यार्थियों का आंसर यहाँ पर 10 आ रहा है, जबकि आपने 5 को इग्नोर मार दिया। कमेंट करके जरूर बताए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना 15। क्यों? क्योंकि अगर हम इस 5 की बात करें तो बताओ ये टीचर भी है ग्रेजुएट भी, इसके अलावा क्या हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी शर्त यहाँ पर क्या थी, हमें उन टीचर्स की संख्या बतानी थी जो कि क्या है ग्रेजुएट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बताओ ये 5 व्यक्ति ऐसे होंगे जो टीचर भी है ग्रेजुएट भी, तो क्या हम इनको इग्नोर मार सकते हैं? तो इग्नोर हम नहीं मार सकते। यहाँ पर अगर ओनली बोला होता तब यहाँ पर हम इनको इग्नोर मार सकते थे, ठीक है। तो ओनली वर्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। आगे की अगर हम बात करें तो हाउ मेनी वुमेन आर ग्रेजुएट, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रेजुएट हैं। तो ध्यान दीजिए महिलाओं की जब हम बात करेंगे तो भी ये 7 भी गिना जाएगा और ये 5 भी गिना जाएगा, यानी कि यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी 12, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ओनली देखने को नहीं मिल रहा है, क्लियर। तो यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि 7 ऐसी महिलाएं हैं जो कि क्या है ग्रेजुएट है, प्लस 5 ऐसी महिलाएं हैं जो क्या है ग्रेजुएट के साथ साथ टीचर भी है। इसलिए यहाँ पर ऐसी महिलाएं जो ग्रेजुएट है उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 12 के बराबर हो जाएगी, क्लियर। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 12। आगे की अगर हम बात करें हाउ मेनी ग्रेजुएट्स आर नाइदर वुमेन नॉट टीचर, कितने ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो ना तो वुमेन है ना तो टीचर है, यानी कि इन दोनों से बाहर है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 14 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 23। और लास्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाउ मेनी ग्रेजुएट वुमेन आर नॉट टीचर, कितनी ऐसी ग्रेजुएट भी है महिलाएं भी है लेकिन टीचर नहीं है। समझिए बात को, कितनी ऐसी यहाँ पर हम बात करें अगर तो ग्रेजुएट भी है महिलाएं भी है लेकिन टीचर नहीं है, यहाँ पर हमने आंसर निकाला था कितना 23। तो ग्रेजुएट भी हो यानी कि रेक्टेंगल में भी हो,
साथ ही साथ क्या हो, हाउ मेनी ग्रेजुएट वुमेन, वुमेन भी हो, यानी कि अगर हम बात करें ट्राइंगल में भी हो लेकिन सर्कल का पार्ट ना हो, तो इन दोनों में कॉमन हो, तो इन दोनों में कॉमन जो संख्या आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी दिखाई दे रही, 7, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 7। टीचर को हमें नहीं रखना, लेकिन अगर हमसे केवल और केवल अगर आप बात करें पूछा होता क्या ग्रेजुएट वुमेन, केवल और केवल ग्रेजुएट वुमेन पूछा होता तब हम क्या करते, तब हम 5 को भी एड ऑन करते जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। हाउ मेनी वुमेन आर नॉट ग्रेजुएट, देखो यहाँ पर नॉट के साथ एक मेरा थोड़ा सा इशू है, नॉट कई बार मैं मिस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाउ मेनी वुमेन आर नॉट ग्रेजुएट, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रेजुएट नहीं है, समझिए बात को, और अच्छा हुआ कि मैंने इसको देख लिया। तो अगर हम बात करें हाउ मेनी वुमेन आर नॉट ग्रेजुएट, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रेजुएट नहीं है, तो यानी कि ये 3 प्लस अगर हम बात करें 12, ये 15 ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रेजुएट की श्रेणी से क्या है बाहर है। आंसर की अगर हम बात करें तो 12 और प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें 3 की तो कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। तो इट्स माय मिस्टेक, गलती से मैंने यहाँ पर नॉट नहीं देखा, और ये मेरे साथ एक थोड़ी सी कॉमन प्रॉब्लम है, कई बार मेरे को नॉट नहीं दिखता है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की। तो आई होप कि यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी, जब ओनली लिखा है तब किस प्रकार से अप्रोच करना, ओनली नहीं लिखा है तब आपको किस प्रकार से अप्रोच करना है। बात करेंगे सेम प्रश्न की, यहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है द टाइम शोन बाय क्लॉक इज 7 hours and 15 minutes, व्हाट टाइम डज इट शो ऑन द मिरर। तो अगर हम बात करें तो जो आपके पीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, इवन अगर हम यूपीएससी की भी बात करें, तो सीसेट में जब रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां पर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न बनते हैं आपकी घड़ी से, तो देखेंगे कि जब हम बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की, तो दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्नों की जब हम बात करेंगे तो ये आपके क्या होता है सरल होने के साथ साथ, यानी कि जिस तरीके का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे आंसर निकालने के लिए, सरल होने के साथ साथ क्या होता है व्यवहारिक भी होता है। यानी कि अगर हम तरीके की बात करें तो यहाँ पर बोला है 7 hours and 15 minutes, यानी कि 7:15, तो हमें पता हम क्या करते हैं दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए हम दिए गए समय को क्या करते हैं 11:60 में से घटाते हैं, दिए गए समय से दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए समय को 11:60 से घटाते हैं, या दिए गए दर्पण अगर हम बात करें दिए गए समय से दर्पण प्रतिबिंब के लिए भी सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें दर्पण प्रतिबिंब अगर आपको दिया गया और समय निकालना है तो भी हम सेम अप्रोच को फॉलो करेंगे। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो हम इसमें एड ऑन करके लिख सकते हैं, अगर ज्यादा यहाँ पर आपको नंबर का प्रश्न देखने को मिल रहा है, मान लेते हैं अगर 2 नंबर का प्रश्न है तब तो ठीक है, इतने में काम चल जाएगा, एक सेंटेंस आपने लिख दिया कि दिए गए समय से दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए हम क्या करते हैं दिए गए समय को 11:60 से घटाते हैं, 11:60 से घटाने पर यह समय प्राप्त हुआ, यही आपका आंसर, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं अगर 4 नंबर 8 नंबर में आपको व्याख्या करनी हो तो यहाँ पर आगे भी हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमें डेप्थ में नॉलेज है और इन सभी अगर हम बात करें तथ्यों के बारे में डिटेल में डिस्कस करता रहा हूं कि यहाँ पर 7:15 की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि यह तथ्य या यह तरीका या ये अप्रोच आपका क्या है सरल होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। कैसे व्यवहारिक है तो ये हम बता सकते हैं कि 7:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण, एक सुई 7 पे 1 सुई 3 पे, कितने का डिफरेंस 4 का गैप, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आती थी, एक डिवीजन की वैल्यू आती थी 30 डिग्री। तो अगर हम बात करें यहाँ पर दिए गए समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, यानी कि होना चाहिए था 120 डिग्री, लेकिन आपका मिनट हैंड चला है कितना 15 मिनट, तो आवर हैंड चलेगा 15 का आधा, यानी कि 12:30, तो 12:30 आगे हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि अगर आंसर की हम बात करें तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आगे अगर आपको एड ऑन लिखने की आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या है सरल के साथ साथ व्यवहारिक भी, क्योंकि जो समय आपको जो एंगल आपको 7:15 पर देखने को मिलेगा, यानी कि 7:15 पर आपको जो एंगल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 132.5 डिग्री, ठीक है। वही एंगल आपको जो इसमें से टाइम निकल करके आएगा, यानी कि 11 में से 7 गया 4 और 60 में से 15 गए 45, तो एक सुई 4 पर दूसरी सुई 9 पर, कितने का गैप 5 का गैप, और 45 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 22.5, यानी कि 150 में से हमें क्या कर लेना है 150 में से 45 का आधा करेंगे तो 22.5 और 100, अच्छा यहाँ पर हमने अगर बात करें 4 तो 4 का वैल्यू आया था आपका, एक सुई 3 पर दूसरी सुई 7 पर, 7.5 ऐड होगा यहाँ पर, 120 में 7.5 ऐड होगा, मिनट का आधा, मिनट था 15 तो 15 का आधा अगर हम करेंगे तो गलती से मैंने यहाँ पर 12:30 बोला, ठीक है।
यहाँ पर 7.5 ऐड होगा यानी कि हो जाएगा 127.5 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब हम क्या करेंगे, इस समय पर हम अगर दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो एंगल देखने को मिलेगा वो भी कितना देखने को मिलेगा, 127.5। कैसे, 5 डिवीजन का गैप आएगा तो 5 डिवीजन की वैल्यू होती है 150 डिग्री। और माइनस कर देना था 45 का आधा, क्योंकि इस बार आपका जो मिनट वाली सुई है वो एक बड़े नंबर पर है, वो 9 पर है, और आवर वाली सुई किस पर है, 4 पर है। तो इन सभी तरीकों पर मैंने बात कर रखी। तो आप किस प्रकार से यहाँ पर आपको आंसर लिखना है इसके ऊपर भी मैंने चर्चा करी, और कब आपको और डिटेलिंग करना है इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है। ठीक है, फिलहाल बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो आपका पासे से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि डाइस पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और हमें पता है कि डाइस में उभयनिष्ठ फलक, उभयनिष्ठ जब क्या हो, जब दिए गए पासे में केवल और केवल एक उभयनिष्ठ फलक हो तो उस फलक के साथ, यानी कि इसको अगर हम स्थिति एक मान लें, इसको यदि हम स्थिति दो मान लें, तो स्थिति एक में और दो में जो उभयनिष्ठ फलक है वो आपका 3 है, और उभयनिष्ठ फलक से घड़ी की दिशा में जाने पर या घड़ी के विपरीत दिशा में जाने पर, यानी कि 2 और 5, यहाँ पर अगर हम बात करें घड़ी की दिशा में गए तो 4 और 1, तो यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 का अपोजिट मिल जाएगा 4, 5 का अपोजिट मिल जाएगा 1। प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा है 3 के सामने वाले भाग में कौन सा अंक आएगा। अब अगर हम मान के चले कि यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखें, तो आप में से मोस्टली जो छात्र हैं वो इसका आंसर क्या लिखेंगे, वो इसका आंसर लिखेंगे 6। लेकिन समझिए बात को, अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 और 2 क्या है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। और हमें पता है कि जो पासे होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। देखो इसका जो बेहतरीन आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा पहले आप लोग भी अपना अपना आंसर निकाल लें, अपना अपना मत निकाल लें, और उसके बाद मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, आप जाकर के सेशन भी देख सकते हैं, बाकायदे प्रूफ के साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये आंसर कितना वैलिड, और अगर हम बात करें कि कितना बेहतर आंसर हो सकता है और क्यों हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, तो आप में से बहुत सारे छात्रों का आंसर आ गया होगा 7। लेकिन अगर हम बात करें तो एडजेसेंट सर्फेसेस का सम आपको यहाँ पर 7 देखने को मिल रहा है। इट मीन्स जो दिया गया पासा है वो आपका कैसा पासा है, एक साधारण पासा है, क्योंकि मानक पासे में हमेशा क्या होता है, अपोजिट सर्फेसेस का सम हमको 7 देखने को मिलता है। यानी कि ये तो बात यहाँ से क्लियर हो गई कि दिया गया पासा क्या है, एक साधारण पासा है, और यहाँ पर प्रश्न में कहीं भी आपको मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पर जो संख्याएं वो केवल 1 से लेकर 6 तक ही यूज की गई है। मैंने कहा साधारण पासे में आपको अल्फाबेट दे सकता है, आपको सिंबल दे सकता है, नेम ऑफ कलर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर हम आंसर के रूप में क्या लिखेंगे, जो बेस्ट आंसर होगा, जिस जहां पर आपको पूरे अंक डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, वो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपोजिट ऑफ द कॉमन सर्फेस विल बी दैट विच इज नॉट शोन ऑन एनी सर्फेस ऑफ द गिवन पोजिशन। ठीक है, उभयनिष्ठ सतह का विपरीत, उभयनिष्ठ सतह के विपरीत वह सतह होगी जो दी गई स्थितियों के किसी भी सतह पर दर्शाई ना गई हो। उभयनिष्ठ सतह के विपरीत वह सतह होगी जो दी गई स्थितियों के किसी भी सतह पर दर्शाई ना गई हो। यदि यहाँ पर दिए गए पासे में 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का उपयोग किया गया है, उस स्थिति में 3 के विपरीत सतह 6 होगी। आगे ये बात आप मेंशन करेंगे। अब मैंने आपको बार बार बताया है, रीजन भी बताया है, आप जाकर के सेशन में देख सकते हैं, आप खुद से पासे को अलट पलट के देख सकते हैं, हर एक लॉजिक, हर एक कॉन्सेप्ट की चर्चा मैंने डिटेल में की हुई है, क्योंकि एक साधारण पासा, साधारण पासे में हमें केवल और केवल 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं ही दी गई है, या वहां पर अधिक संख्या भी है इसके बारे में हम नहीं कह सकते। और आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते रहे हैं जहां पर आपको 10, 8, 9 इस प्रकार से संख्याएं भी देखने को मिली हैं, अल्फाबेट्स भी देखने को मिले हैं, सिंबल्स भी देखने को मिले हैं। यही प्रश्न यदि आपको सिंबल के फॉर्मेट में दे देता तब आप क्या करते, जितने लोगों का आंसर आ रहा है, यहाँ पर अगर हम लिख देते हैश, यहाँ पर हम लिख देते हैश, यहाँ पर हम लिख देते डॉलर, यहाँ पर लिख देते हम परसेंटेज, यहाँ पर हम लिख देते एट द रेट, और यहाँ पर हम लिख देते एंड। अब हम पूछ लेते बताओ हैश का अपोजिट क्या होगा, पासा तो साधारण ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ सतह के विपरीत वह सतह होगी जो दी गई स्थितियों के किसी भी सतह पर दर्शाई ना गई हो। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे, तो हमें पता है कि किसी भी पासे की दो संलग्न सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, यानी कि 3 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 4 नहीं हो सकता। फिलहाल बात करेंगे यहाँ पर अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ आपको निकालना है स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या की गणना कर लेते हैं। जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की संख्या हमें इक्वल देखने को मिलती है तो सबसे बड़े नंबर ऑफ रो को सबसे बड़े कॉलम के साथ, अगर इक्वल नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इक्वल है तो सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे,
चार का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कुल वर्गों की संख्या। 16 नौ की बात करें तो 25, 4, 29 और 31, यानी कि आंसर यहाँ पर बन जाएगा 30। टोटल क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। ठीक है, गिनती नहीं गिनने लग जाना, बताने लग जाना ए बी सी डी, वरना दिमाग खराब हो जाएगा पूरा, चार पन्ना भी भर लोगे ना तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स नहीं निकलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो नंबर के प्रश्न में इस प्रकार से अप्रोच कर देना है, आपको आंसर लिख लेना है कि कुल वर्गों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या गिन लेते हैं, यदि दोनों संख्याएं बराबर है तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल हम चर्चा करेंगे यहाँ पर अगले पूछे गए प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है ना वो आपका यहाँ पर बेस्ड है किस पर, इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड करने का मुख्य रीजन क्या है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो आपका बेस्ड है पजल पर, और जब आप यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दो अलग अलग डाटा है, यहाँ पर जब आप पजल बनाने का प्रयास करते हैं तो आप खुद पजल बन के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या कहता है, कमेंट करता है कि सर हमें तो केवल अंग्रेजी में पढ़ना है, आप लोग हिंदी में पढ़ा देते हो। हिंदी माध्यम वाला बच्चा कहता है सर आपने इंग्लिश में इतना एक्सप्लेन कर दिया कि हमें हिंदी में बात समझ ही में नहीं आई। और मैं आपको बार बार एक ही बात समझाता हूँ कि देखिए विषय कोई भी हो, कोशिश करिए एटलीस्ट जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है क्वेश्चन को आपको दोनों भाषाओं में समझना आना चाहिए, दोनों भाषाओं पर आपकी बेहतर ना से लेकिन एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। इस प्रश्न को जो इंग्लिश माध्यम वाले छात्र हैं, अगर मैं कहें इंग्लिश में आप बनाए तो देखो क्या गलतियां करेंगे और क्या यहाँ पर आपको देखने को मिला है मिस्टेक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले बोला गया है ए इज नॉट, देयर आर सिक्स पर्सन ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, देखो यहाँ पर गलती क्या होगी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोला ए इज नॉट हिल स्टेशन, ए जो है वो आपका हिल स्टेशन नहीं है, तो हमने इसको इस प्रकार से नोट डाउन कर लिया, ए आपका हिल स्टेशन नहीं है। बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी कि इसको हम एचपी से डिनोट कर सकते हैं, बी हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है और ई आपका हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है। आगे की अगर हम बात करें तो बोला है डी इज नॉट इंडस्ट्रियल सिटी, डी आपका जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, तो इसको आईसी से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, इसको हम लिख सकते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो बोला है ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज, अब इसको अगर हम एच सी लिखते हैं, ए और डी क्या है हिस्टोरिकल सिटीज नहीं है, इसको हमने लिख लिया। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है ए एंड बी आर नॉट अलाइक, यानी कि ए और बी क्या है, ए और बी आपके डिफरेंट है, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, ए और बी अलग है, अब बनाते रहो, बना लोगे तो जो कहोगे वो देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे हिसाब से या प्रश्न के हिसाब से हर एक टाइप का जो डाटा है यानी कि ए बी सी डी ई एफ में से वो या तो दो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, या तो आपके हिस्टोरिकल प्लेस हो जाएंगे, या तो इंडस्ट्रियल सिटी हो जाएंगे, या तो क्या हो जाएंगे हिल स्टेशन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल सिटीज भी दिख रहा है, समझिए यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल सिटीज भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर हो गया आपका हिस्टोरिकल प्लेसेस जिसको हमने एचपी से डिनोट किया, और यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल सिटीज दिख रहा है जिसको हमने एचसी से डिनोट किया। अब इसी में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो देखिए हिंदी में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऐतिहासिक स्थान, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है ऐतिहासिक स्थान, ना कि ऐतिहासिक शहर। और छोटी छोटी अगर हम बात करें तो छोटी छोटी भी बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। ठीक है, तो कई बार अगर हमें एक भाषा में प्रश्न में कहीं भी थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ी सी भी अगर हमें संभावना लगती है दूसरी भाषा की ओर देख लेना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा देखने में कोई बुराई नहीं है। क्लियर, इट मीन्स कि अगर हम बात करें ये दोनों टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपकी सेम है, जिसको हमने एच सी लिखा है, हिस्टोरिकल सिटीज लिखा है, इसको अगर हम एच पी लिख दें तब हमारे लिए प्रश्न को बना पाना क्या हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। कैसे हम बना सकते हैं, तीन ही प्रकार के यहाँ पर हमें कंडीशंस दी गई है, या तो हिल स्टेशन होगा, या तो हिस्टोरिकल प्लेस होगा, या तो क्या हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल सिटी। अब ये हिस्टोरिकल प्लेस नहीं हो सकता, हिल स्टेशन नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा इंडस्ट्रियल सिटी। ठीक है, अब ये इंडस्ट्रियल सिटी नहीं हो सकता, हिस्टोरिकल प्लेस नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा हिल स्टेशन। क्लियर, अगर हम बात करें किसकी बी की, तो बी आपका इंडस्ट्रियल सिटी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोला गया था ए और बी क्या है डिफरेंट है, तो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं हो सकता, हिस्टोरिकल प्लेस नहीं हो सकता, तो बचा क्या एक ही क्या हिल स्टेशन। अब अगर हम बात करें हिल स्टेशन दो जगह पर आपके हो चुके हैं और ये आपका बोला गया है कि हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, तो इसके लिए कंडीशन एक ही बची क्या इंडस्ट्रियल सिटी। अब हमें पता है दो इंडस्ट्रियल सिटी हो गए, दो हिल स्टेशन हो गए, तो बचे हमारे पास दो ही क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस, और इस प्रकार से आपकी जो पजल है वो पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। और यदि मैं बात करूं पूछे गए प्रश्न की, तो बोला है ऑफ द फॉलोइंग विच टू सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, दिए गए शहरों में से कौन से दो शहर क्या है इंडस्ट्रियल सेंटर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इंडस्ट्रियल सिटी है और इंडस्ट्रियल सेंटर, समझिए बात को,
शहर यहाँ पर पहले मेंशन कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि वो कौन से शहर है जो औद्योगिक सेंटर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेंटर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आईसी कौन कौन है, ए और ई, तो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ए और ई वाले कॉम्बिनेशन के साथ में जाएंगे, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, और ये एक बहुत ही दुविधाजनक बात है। बाद में क्या हुआ है, प्रश्न में बहुत सारे परीक्षा में क्या होते हैं, बहुत सारे आपके प्रश्न विलोपित भी किए जाते रहे, और मैंने जानबूझ के इस प्रश्न को क्या किया है, इंक्लूड किया है। पहली जो आपको एरर देखने को मिली वो यहाँ पर मिली, हिंदी और इंग्लिश के मिसमैच के रूप में, और यहाँ पर आपको विकल्प के रूप में देखने को मिली, जबकि अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पर आपको विकल्प देखने को मिल रहा है, विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल प्लेसेज, कौन से दो शहर है जो की क्या है हिस्टोरिकल प्लेसेस है। यहाँ पर अगर मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं, एक तो आपका हो जाएगा सी और एक हो जाएगा एफ। सी और एफ के साथ अगर हम जाए तो यहाँ पर हमें क्लियरली ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्लियर। तो इस प्रकार की स्थिति भी यदि बनती है तो हमें अपने नॉलेज, अपने कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, अपने पेशेंस को खोना नहीं है, हम अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो बेहतर तरीके से लिख करके आएंगे। यदि कोई ऐसी त्रुटि पाई जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उसका सीधा सा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा, क्लियर। अब ये 2016 का प्रश्न है, इसको आप उठा करके देख सकते हैं। फिलहाल ये प्रश्न आपके पास यहाँ पर हिंदी में भी अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें एनालिसिस की, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन काफी पसंद आया होगा, काफी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा। आपने क्या सीखा यहाँ पर, एग्जाम कोई भी हो, तैयारी कोई भी हो, पहली शर्त क्या है कि किसी भी फील्ड में एंटर करने से पहले हमें उस फील्ड के बारे में डिटेल में जानकारी होना आवश्यक है। अब अगर हम बात करें जानकारी की, तो न केवल हमने यहाँ पर सिलेबस का एनालिसिस किया, साथ ही साथ हमने क्या किया, 2012 से लेकर के 21 तक के पेपर्स का भी एनालिसिस किया, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किन टॉपिक्स का ट्रेंड रहा है, ठीक है, अगर ट्रेंड में आपको कमी या अगर बढ़ोतरी देखने को मिल रही तो कब से कब तक देखने को मिल रही, इसके पीछे का कारण क्या रहा है, पहले इन बेसिक और महत्वपूर्ण बातों को जान लेना अनिवार्य है, क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपना वेटेज, अपना टाइम डिवाइड करते हैं कि किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम कब देना है, किस तरीके से देना है, कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पर हम पढ़ें, किस तरीके से हम पढ़ें कि हमारी मेंस की भी तैयारी हो जाए, प्रीलिम्स में हमें क्या पढ़ना जरूरी है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का अंतर क्या है, आंसर राइटिंग में और ऑप्शन के साथ लिखने में क्या अंतर है, हर एक बात को आपको डिटेल में समझना है। तो क्षेत्र कोई भी हो, फतेह आपकी होनी चाहिए, बस जरूरत है तो एक सही मार्गदर्शन की, एक सही प्लानिंग की और निरंतरता की, जो कि आपको यहाँ पर बना करके रखनी है टीम कॉम्पिटिशन कमिटी के साथ। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग बेहतर करें, फिलहाल हमारे टेस्ट सीरीज में अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करें, और साथ ही साथ आपकी आगामी परीक्षा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आप सफल हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं हम लोग और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।